दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंट्राओकुलर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानकारी देखेंगे। सो इंट्राओकुलर पावर आपको ऑनलाइन कैलकुलेट करना है तो कैसे करें इसके बारे में। चलिए तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन इंट्राओकुलर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल ब्राउजर ओपन करना है और उसमें ऑप्टोमेट्री फैंस सर्च करना है। ऑप्टोमेट्री फैंस सर्च करने के बाद दोस्तों, जो पहली वेबसाइट आएंगी ऑप्टोमेट्री फैंस, उसके ऊपर क्लिक करना है और मेनू ऑप्शन पे जाना है। मेनू में आप दोस्तों देख सकते हो होम कैलकुलेटर, ई बुक, पीडीएफ। आपको कैलकुलेटर के ऊपर जाना है और पहला जो ऑप्शन है आईओएल पावर कैलकुलेटर, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका आईओएल पावर कैलकुलेटर ऑनलाइन ओपन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट ऑनलाइन इंट्राओकुलर लेंस पावर विद आईओएल पावर कैलकुलेटर। सो दोस्तों, इसके लिए आपके पास केवन केराटोमेट्री वैल्यू होना जरूरी है और एक्सियल लेंथ होना जरूरी है। तो सपोज आपका पावर केराटोमेट्री रीडिंग आपको यहाँ पे डालना है हॉरिजॉन्टल, जो केवन रीडिंग है दोस्तों वो आपको यहाँ पे डालना है। सपोज मेरा जो केवन रीडिंग है 45 है, K2 रीडिंग है वो 45.5 है और एक्सियल लेंथ जो है मेरा 23 है और मुझे कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये करने के बाद दोस्तों, सिर्फ साइड पे टच करने के बाद यहाँ पे जो आईओएल पावर दिखा रहा है 19.78, ये जो आपका लेंस पावर होता है दोस्तों, इंट्राओकुलर लेंस का पावर होता है। आप यहाँ पे फिर से एक बार चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा रीडिंग 40 है, K1 रीडिंग, K2 रीडिंग केराटोमेट्री का 42 है और एक्सियल लेंथ जो है वो 20 है, तो कितना पावर आता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 31 पावर आता है, क्योंकि इसका जो एक्सियल लेंथ है बहुत ही कम है। तो इसीलिए अगर एक्सियल लेंथ मेरा 22 होता है तो पावर जो है 26 आता है दोस्तों। सो अगर आपको दोस्तों ये कैलकुलेटर अच्छा लगता है, यहाँ पे और भी कुछ कैलकुलेटर है, नियर पावर एडिशन कैलकुलेटर, स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट लेंस पावर कैलकुलेटर, सिंपल ट्रांसपोजिशन लेंस एंड टूरिक ट्रांसपोजिशन, रेटिनोस्कोपी पावर कैलकुलेशन, ये सब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ दोस्तों। अगर आपको ऑनलाइन पावर कैलकुलेटर करना है तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं।